हिंदी सिनेमा जगत में अपने हंसमुख और चुलबुले स्वभाव से प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख ने अपनी परफेक्ट टाइमिंग से बॉलीवुड में अलग जगह बनाई। ये एक ऐसे अभिनेता है जो अलग अलग किरदारों को बड़ी आसानी से निभाते हैं। आपको फिल्म अपना सपना मनी मनी की सानिया का किरदार तो याद ही होगा, जिसे इन्होंने ही निभाया था। इन्होंने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि कोई भी इन्हें देखकर पहचान नहीं पाया कि ये लड़की है या लड़का। इन्होंने अपने करियर में सोलो फिल्में बहुत कम की है और मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया है, जिसके चलते वर्तमान में इनकी पहचान एक ऐसे अभिनेता के तौर पर है जो केवल मल्टी स्टारर फिल्में करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये मल्टी स्टारर फिल्मों की जान है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, इनके बेटे के बारे में जानते हो, कौन है, क्या करते, कैसे दिखते हैं। अगर आप ये बातें जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए वीडियो को तो लाइक कर देना। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख का जन्म 17 दिसंबर 1979 को लातूर, महाराष्ट्र में हुआ। शुरुआती पढ़ाई GD मेमोरियल स्कूल से हुई, बाद में कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से इन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। लेकिन बात करें इनकी फिल्मी करियर की, तो 2003 में तुझे मेरी कसम से इन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर दी। शुरुआत की इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। इस फिल्म के बाद इन्होंने मस्ती फिल्म की, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने काफी खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया, जिसके चलते ये अपने किरदार के साथ फेमस हुए। जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें क्या कूल है हम, मालामाल वीकली, अपना सपना मनी मनी, हे बेबी, धमाल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। ये सभी मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इन्हीं से इनको पहचान मिली। वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म बागी 3 की शूटिंग में बिजी है, जो 6 मार्च 2020 को आएगी। अगर बात करें इस हैंडसम अभिनेता के बेटे की, तो आपको बता दें इनके दो बेटे हैं, जिनका नाम रियान और रायल है। इन्होंने अभिनेत्री जिनेलिया डिसूजा से 2012 में शादी की। शादी के 2 साल बाद 25 नवंबर 2014 को रियान का जन्म हुआ। इनके जन्म के बाद 1 जून 2016 को रायल का जन्म हुआ। वर्तमान में रियान 5 साल के हैं और रायल 3 साल के हैं। ये अपने दोनों बेटों से बड़ा प्यार करते हैं और ज्यादातर समय इनके साथ मस्ती करते हुए बिताते हैं। ये दोनों अक्सर अपने माता पिता के साथ बाहर घूमते हुए नजर आ जाते हैं, जहां ये दोनों मस्ती करते हुए खूब सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं और आजकल तो ये टिकटॉक पर भी आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अपने दोनों बेटों को अभी से ही हर परेशानी का सामना करने और स्ट्रांग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाल ही में इन्होंने अपने बेटे रियान की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखे। लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की, तो ये अभी से ही स्टाइलिश हैं, दिखने में अपने पिता जैसे ही हैंडसम हैं, जैसे कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनके दोनों बेटों से मिलकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।